आज के इस व्याख्यान में हम प्रकाश विद्युत प्रभाव पर बात करेंगे, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर डिस्कस करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, कब होगा, कहां पर होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, इन सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। जब किसी धातु पर, कोई भी धातु है, एल्युमिनियम है, लोहा है, सोना है, चांदी है, किसी भी धातु पर अगर हम प्रकाश को डालते हैं, यानी फोटोन को डालते हैं, तो फोटोन की जो एनर्जी है उस सभी एनर्जी को, टोटल एनर्जी को इस धातु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। जिस धातु पर हम प्रकाश को डालते हैं, जैसे इस पर हमने प्रकाश को डाला, ये धातु है, तो यहाँ पर जितने फोटोन आ रहे हैं, जितनी लाइट आ रही है, उतनी उसकी जितनी एनर्जी है, वो एनर्जी यहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। एक फोटोन की जितनी एनर्जी होती है वो एक इलेक्ट्रॉन केवल ले पाता है। तो इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी को ऑब्जर्व करके, एक्सेप्ट करके बाहर निकल आता है, धातु से बाहर निकल आता है और गति करने लगता है। दोनों प्लेटों के मध्य में, यानी कैथोड और एनोड के बीच में गति करने लगता है। तो इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार के उत्सर्जन की वजह से परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। तो जो धारा बहती है उस धारा को हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रकाश की वजह से चूंकि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं तो इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी प्रकाश की वजह से, प्रकाश के प्रभाव की वजह से विद्युत का प्रवाह होना, यानी करंट का फ्लो होना। किसकी वजह से? प्रकाश की वजह से, प्रकाश के प्रभाव की वजह से विद्युत फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है। इसलिए इस इवेंट को, इस फिनोमिना को, इस प्राकृतिक घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब ये बात आती है कि जो फोटोन आएगा उसकी कितनी एनर्जी है और वो एनर्जी कितने भाग में डिवाइड होगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो हम पढ़ते हैं, और किसी भी धातु पर हमने लाइट को डाला, ये लाइट है, और इस धातु पर डाला, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस फोटोन की एनर्जी को दो तरह से ग्रहण करता है। फोटोन की एनर्जी को हमने मान लिया कि कैपिटल ई है फोटोन की एनर्जी। तो फोटोन की एनर्जी दो भाग में डिवाइड होती है। पहला वर्क फंक्शन और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपने परमाणु से निकालकर धातु की सतह तक लाने में, परमाणु से निकालकर धातु की सतह तक यानी सरफेस तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, उस वर्क को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। इस वर्क फंक्शन का मान किसी एक मेटल के लिए कांस्टेंट होता है। जैसे सीजियम के लिए इसका मान होता है, सीजियम मेटल के लिए होता है इसका मान 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये न्यूनतम मान होता है। और प्लेटिनियम के लिए वर्क फंक्शन का मान मैक्सिमम होता है, लगभग 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कहने का मतलब जो वर्क फंक्शन होता है किसी एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है, और जो दूसरा हिस्सा है वो काइनेटिक एनर्जी। तो पहला हिस्सा क्या है? पहला हिस्सा ये है कि जो लाइट आ रही है, जो फोटोन आ रहे हैं, इस फोटोन की एनर्जी ई दो भाग में डिवाइड होगी। पहला भाग क्या है? इलेक्ट्रॉन को उसके परमाणु से निकालकर सतह तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, उस वर्क को हम वर्क फंक्शन कहते हैं, यानी कार्यफलन कहते हैं। और बचा हुआ भाग, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, जो काइनेटिक एनर्जी को प्रदान करने में जितनी ऊर्जा बच जाती है वो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक यानी परमाणु से निकालकर सतह तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। और फिर इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आ गया तो वो मूव करने लगता है, तो जितनी एनर्जी बचती है वो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है, यानी ई इक्वल टू वर्क फंक्शन, यानी हम कह दें डब्ल्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि दो भाग में डिवाइड हो जाता है। फोटोन की जितनी एनर्जी होती है वो एनर्जी टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो भाग में डिवाइड हो जाती है। पहला वर्क फंक्शन और बची हुई ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। अगर हम ई का मान बढ़ाते हैं, ई का मान बढ़ाएंगे तो डब्ल्यू का मान नहीं बढ़ेगा, यानी वर्क फंक्शन नहीं बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी।
यानी वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी फोटोन की एनर्जी के प्रोपोर्शनल होती है। वर्क फंक्शन का मान किसी एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखना है। अगर हम किसी प्रकाश को, फोटोन को, ऐसे फोटोन को धातु पर डाल रहे हैं जिस फोटोन की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी का फार्मूला हम लिखते हैं ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर लिख दें या एच सी डिवाइड बाई लैम्डा लिख दें, कोई सा भी लिख दें, ये फोटोन की एनर्जी का फार्मूला है। अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है या कम है, फोटोन की एनर्जी ई का मान वर्क फंक्शन के बराबर है या फोटोन की एनर्जी कम है वर्क फंक्शन से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए फोटोन की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए वर्क फंक्शन से, तभी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर पाएगा। अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है, जैसे वर्क फंक्शन है 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हम डालते हैं फोटोन को, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आता है, तो काइनेटिक एनर्जी, ओ एक फोटोन की एनर्जी कम है, वर्क फंक्शन ज्यादा है, तब भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। इस कंडीशन में उत्सर्जन होगा जब फोटोन की एनर्जी ज्यादा है, वर्क फंक्शन का मान कम है। जैसे वर्क फंक्शन 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जो फोटोन डाल रहे हैं, लाइट आ रही है, उसकी एनर्जी 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए, जैसे 5.6 है या 5.7 है या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ज्यादा चल जाएगा। वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी अगर हम डालते हैं तो इंसिडेंट, अगर हम डालते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे अन्यथा नहीं निकलेंगे।